गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज जो है हम लेकर रहे जा रहे हैं हमारे पाठ क्रमांक 14 दोहे। इस पाठ का रिवीजन आज हम देखने वाले हैं। ये जो कविता है, इस कविता में हमें जो है बताया गया है कि जिस प्रकार जो है पंखे को बिना हिलाए, हाथ का पंखा जो होता है उसे बिना हिलाए हवा नहीं मिलती, उसी प्रकार जो है हमें बिना मेहनत के विद्या प्राप्त नहीं होती है। और बताया गया है इसके आगे जो पद है उसके अंदर अगले दोनों में बताया गया है कि बहुत अधिक बोलना और बिल्कुल चुप रहना दोनों ही क्या है, ठीक नहीं होते। बहुत अधिक जो है पानी का बरसना और बहुत तेज धूप भी अच्छी नहीं होती। कहने का तात्पर्य ये है कि सभी चीजें सही अनुपात में होनी चाहिए। और उसके बाद के दोहों में बताया गया है कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, ना ही नदी अपना पानी स्वयं पीती है। इसी प्रकार सज्जन लोग दूसरों की भलाई के लिए क्या करते हैं, संपत्ति का संग्रह करते हैं। उसके बाद के दोहों में बताया गया है कि बोली अनमोल होती है, हमें जब भी बोलना हो सोच समझ कर जो है बोलना चाहिए, क्योंकि कड़वे बोल हृदय में तीर की तरह चुभते हैं। अतः जो है हमें नाप तोड़ कर ही बोलना चाहिए। उसके बाद के जो दोहे हैं उनमें कहा गया है कि जो लोग अच्छे स्वभाव के होते हैं उन पर बुरे स्वभाव वाले लोगों का कोई भी असर नहीं होता, वे सदैव अच्छे ही कार्य करते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे जो है यहाँ पर उदाहरण के तौर पर दिया गया है कि चंदन के पेड़ पर जहरीले सांप रात दिन लिपटे रहते हैं, परंतु वह अपनी सुगंध अर्थात खुशबू देना नहीं छोड़ता। उसके बाद के दोहों में बताया गया है कि समय बहुत अनमोल होता है, इसे व्यर्थ नहीं करना चाहिए। आज का काम जो है आज ही करना बेहतर है, उसे कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि पल भर में क्या होगा कुछ नहीं पता। अर्थात पल भर में यदि कोई विपत्ति आ जाए तो सारा कार्य अधूरा रह जाए। और अंतिम दोहों में कहा गया है कि लगातार अभ्यास करने से मूर्ख व्यक्ति भी बलवान बन जाता है, जैसे रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। इस तरह से ये पाठ है, ये कविता है, ठीक है। अब जो है हम जो है इसके आगे का जो भाग है अभ्यास कार्य वो अब जो है देखने वाले, ठीक है। तो देखिए अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मौखिक और लिखित प्रश्न है इसमें। मौखिक से पहला प्रश्न है, विद्या धन किस प्रकार प्राप्त किया जा सकता है, बताइए। जी हाँ, विद्या धन जो है मेहनत करके प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बोलते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, बताइए। बोलते समय किस चीज का ध्यान रखना चाहिए, जी हाँ, बोलते समय जो है सोच समझ कर तथा नाप तोड़ कर बोलना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न लिखित से। लिखित से पहला प्रश्न है, अभ्यास का महत्व किस दोहे में बताया गया है, बताइए। अभ्यास का महत्व किस दोहे में बताया गया है, जी हाँ, वो पंक्तियां ये है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इन दोहों में जो है अभ्यास का महत्व बताया गया है। जैसे कि इसका मतलब ये है कि लगातार अभ्यास करने से जो है मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान बन जाता है, जैसे जो है रस्सी के बार बार आने जाने से पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं, ऐसा इस दोहों का अर्थ है ना। अब अगला प्रश्न है, आज का काम कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, बताइए। आज का काम कल पर क्यों नहीं छोड़ना चाहिए, जी हाँ, आज का काम कल पर इसलिए नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि पल भर में यदि विपत्ति आ जाए तो सारा कार्य अधूरा रह जाए, है ना। अब देखिए आगे आशय स्पष्ट कीजिए। हमें यहाँ पर जो दोहे हैं वो दिए गए हैं, उनका जो है हमें आशय स्पष्ट करना है, अर्थ बताना है, ठीक है। तो पहला है, परमार्थ के कारण साधु धरा शरीर
ये जो पंक्तियां हैं इनका अर्थ बताना है। तो बताइए इसका अर्थ क्या है? जी हाँ, सज्जन लोग जो है दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति का संग्रह करते हैं, ये जो है इसका अर्थ है। अब देखिए आगे, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूक, इन पंक्तियों का हमें अर्थ बताना है, इन दोनों का। तो बताइए, जी हाँ, बहुत अधिक बोलना और बिल्कुल चुप रहना दोनों ही ठीक है क्या? जी नहीं, दोनों भी जो है ठीक नहीं होते, अर्थात सभी चीजें सही अनुपात में होनी चाहिए, है ना। अब देखिए आगे, अभी पंक्तियां हैं, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आनी, ये जो कविता के जो दोहे हैं इनका अर्थ बताना है। तो बताइए, जी हाँ, बोली अनमोल होती है, इसलिए हमें बोली को यानी जो हम बोल जो भाषा बोलते हैं उसको जो है सोच समझकर और नाप तोल कर ही मुख से यानी मुंह से बाहर निकालना चाहिए, ठीक है। अब देखिए आगे, अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 3, सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न है, सज्जन लोग संपत्ति का संग्रह क्यों करते हैं? बताइए, सज्जन लोग जो होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो संपत्ति का संग्रह क्यों करते हैं? अपनी भलाई के लिए, मनोरंजन के लिए, या दूसरों की भलाई के लिए? जी हाँ, दूसरों की भलाई के लिए, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे रहते हैं? बताइए, किस वृक्ष पर, किस पेड़ पर जो है जहरीले सांप लिपटे हुए रहते हैं? इस पर पीपल के, चंदन के, या सेब के? जी हाँ, चंदन के पेड़ पर जो है, चंदन के वृक्ष पर जो है जहरीले सांप लिपटे रहते हैं। अगला प्रश्न है, हमें आज का काम कब करना चाहिए? बताइए, हमें आज का काम कब करना चाहिए? कल, कभी भी, या आज ही? जी हाँ, हमें जो है आज का काम आज ही करना चाहिए, ठीक है, आज ही। अब देखिए आगे, अगला है प्रश्न, नीचे दिए शब्दों के तीन तीन पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो देखिए आपको जो है शब्द दिए गए हैं कुछ, मैं आपको जो है दो शब्द करके दिखाऊंगा, उसके बाद जो है बचा हुआ जो है आपका होमवर्क है, ठीक है। तो देखिए, वृक्ष ये जो शब्द है इसके हमें तीन पर्यायवाची लिखना है, ठीक है। तो बताइए, वृक्ष के तीन पर्यायवाची कौन से हैं? जी हाँ, पेड़, तरु, विटा। पेड़, तरु, विटा, विटा पे आने क्या पेड़, ठीक है, पेड़, तरु और विटा। अगला है नदी, शब्द है नदी, नदी शब्द के जो है तीन पर्यायवाची क्या है? ध्यान, सरिता, तटिनी, सरिता, कौन सा है? जी हाँ, सरिता, तटिनी, सरिता, तटिनी और सलीला, क्या है? सलीला, ये जो है नदी के पर्यायवाची है। इस प्रकार जो बचा हुआ जो भाग है वो जो है आप सभी का होमवर्क है, इसमें जो है इसके बाद जो है आपको जो है कुछ मानक रूप भी दिए गए हैं, वो भी आपको लिखना है। जैसे कि शरीर, शरीर शब्द का जो है मानक रूप क्या है? शरीर है। पवन है, पवन यानी क्या? पवन। उसी प्रकार अब है, तो उसमें डबल ब लगा हुआ है, आपको लिखना है अब, ठीक है। प्रलय यानी क्या? प्रलय। और जो है रसनी यानी रस्सी। इसी प्रकार निशान शब्द दिया गया है, निशान यानी क्या? निशान, है ना। और उसके बाद जो है अगले प्रश्न में दिया गया है आपको विलोम शब्द। तो विलोम शब्द है जैसे कि धूप है, धूप का विलोम क्या है? छांव। उत्तम का, उत्तम शब्द का विलोम है अधम। विष शब्द का विलोम क्या है? अमृत। और कुसंग शब्द का विलोम होता है सत्संग, है ना। इसी प्रकार जो है दूसरे जो है आपको आगे भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी जो है प्रश्नों का जो है आपको
स्वयं जो है उसका जो है उसके उत्तर लिखने हैं। ये जो है आपका होमवर्क है। इसी प्रकार इसके आगे का जो भाग है वो हम हमारे अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है।